Assalamualaikum, welcome to our channel. आज की वीडियो में मैं आपको जिन जॉब्स के बारे में बताने जा रही हूँ वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के अंदर अनाउंस हुई हैं, और इनकी डिटेल में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहें, और बेल के आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मौसूल होता रहे। तो ये जॉब्स आई हैं, ये आई हैं कैरियर जॉब्स 1737 नेस्कॉम के अंदर की जॉब्स आई हैं, और इनकी जो है 13 जून को ये जॉब्स आई हैं। इनका एडवर्टाइजमेंट आया है न्यूज़पेपर के अंदर, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की गवर्नमेंट की फुल टाइम जॉब्स हैं। 27 जून तक अप्लाई करने की आपके पास टाइम है, और पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप इसके लिए जो तालीमी काबिलियत रिक्वायर है वो है बैचलर्स डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप के में ये होता है कि आप इसमें अप्लाई करते हैं, आपको फ़ीस सबमिट करवानी होती है बैंक के अंदर, उसके बाद क्या होता है कि आप टेस्ट देते हैं, अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो फेलोशिप प्रोग्राम में ये होता है कि आपको जॉब मिल जाती है एटॉमिक एनर्जी में। जैसे कि अब ये कैरियर जॉब 1737 यानी कि नेस्कॉम है, तो आपको नेस्कॉम के अंदर जॉब मिल जाएगी। आपको 35,000 मंथली पे किया जाएगा जब तक आप जॉब करते हैं, और उसके बाद क्या होगा कि आपको 2 साल के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट यानी कि पे स्केल 17 पे लगा दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा मौका होता है अगर एक टेस्ट पास करके आप जो है वो बेहतरीन आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का, सीखने का, और वही आपको पढ़ाएंगे, वही आपको सिखाएंगे, और साथ ही आप पढ़ेंगे उसी के साथ आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो आपका जो है वो काफ़ी अच्छी आपका आपका नॉलेज, आपकी लर्निंग, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे क्लियर हो जाएंगे, और 2 साल के बाद आप बन जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर यानी कि आपका SPS 8 होगा। तो इसके लिए अब इन्होंने बताया है कि पब्लिक नोटिस नंबर 2 है ये पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन IC डिज़ाइन, और ऑल पाकिस्तानी नेशनल इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BE या BSc इंजीनियरिंग की हुई है, और सिर्फ एक सेकंड डिवीजन पूरे एकेडमिक कैरियर में अलाउड है, मैक्सिमम एज 30 साल तक हो, डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो HEC, PEC या गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से हों। रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू पास क्लियर यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। अब सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड फेलोशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़। आपको लम्स में, लाहौर, फास्ट में, इस्लामाबाद में, कहीं भी आपको, और आपको 35,000 मंथली पे किया जाएगा, फुली फंडेड है ये, हॉस्टल ड्यूज आपके पे किए जाएंगे, और अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर MS इंजीनियरिंग। आपको MS करने के बाद आपको बकायदा असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाएगा, रिलैक्सेशन होगी 2 साल की प्रोमोशन में। और अब आपने अप्लाई करना चाहते हैं अगर आप इस ज़बरदस्त किस्म की जॉब के लिए, तो आपने जाना है www.careerjobs1737.com पे। 27 जून इसकी डेडलाइन है, जल्दी से अप्लाई कर दें, काफ़ी अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने BE या BSc इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में। मिनिमम CGPA 3 होना चाहिए।